मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई उल्लू की तरफ से वेब सीरीज बेटा आशिकी बाप अय्याज। कहानी को शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें नित्या और प्रियन को दिखाया जाता है, दोनों गार्डन में बात कर रहे होते हैं। तभी प्रियन कहता है नित्या से, क्या हो गया, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? तभी नित्या कहती है, लक्ष्मी के बारे में मेरा मूड ऑफ है। लक्ष्मी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में सेक्स हुआ नहीं है तो इसीलिए वो मुझे कॉल करके परेशान कर रही है। तभी प्रियंक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूँ क्या? ये क्या है कि प्रियंक मजाक कर रहा होता है और वहाँ से दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। ये क्या है कि नित्या अपने घर चले आती है और डोरबेल बजाती है। उसकी माँ गेट खोलती है और कहती है, कैसा गया तुम्हारा कॉलेज? नित्या कहती है, कॉलेज अच्छा था, आज हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने को मिला, सोच रही हूँ किसी के साथ प्रैक्टिकल ही कर लूँ। तभी ये सुन के उसकी माँ कहती है, जरा हमें भी तो मिलाओ उससे। तो नित्या कहती है, सच में? तो कहती है उसकी माँ, उसे घर ले गया। ये सुन के नित्या सरप्राइज हो जाती है और उसकी माँ कहती है, थप्पड़ मार के उसको घर से भगा दूँगी। अगले सीन में हमें प्रियन के डैड को दिखाया जाता है। प्रियन घर पर आता है और उसको देखता है, उसके डैड शराब पी रहे होते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, तुम्हें कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है, जो मैंने चार चार कंपनी खोल रखी है किसके लिए खोल रखी है? अगले दिन प्रियन अपने रूम में बैठ के गिटार बजा रहा होता है। तभी वो नित्या को कॉल करता है और कहता है कि हमारे घर में कोई नहीं रहता डैड और मेरे अलावा, ऊपर का रूम खाली है, तुम आके प्रैक्टिस कर सकती हो, यानी कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर सकती हो। तभी वो कहता है, मेरे पास चारों फ्लेवर का कॉन्डम भी है। तभी नित्या उसे कहती है, सब्र करो, जितना मैं यूज़ कर रहा है कल आके कर लेना। और अगले दिन नित्या प्रियन के घर आती है, देखती है प्रियन के डैड बैठ के सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं। नित्या अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, कहती है, मैं प्रियन की फ्रेंड हूँ, कॉलेज फ्रेंड। तभी प्रियन के डैड कहते हैं, तुम काफ़ी ब्यूटीफुल। ये कह के प्रियन के डैड उसे गंदी निगाह से देखते हैं। तभी प्रियन आता है और अपने रूम में लेके जाता है, दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। और अगले दिन नित्या कपड़े खरीदने के लिए शोरूम में जाती है, उसे एक ड्रेस बहुत पसंद आती है पर वो काफ़ी महंगी होती है। तभी वहाँ पे प्रियन के डैड आते हैं और नित्या से बातें करते हैं। तभी बातों बातों में वो कहते हैं, ये कपड़ा यानी कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है, मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। नित्या कहती है, ये बहुत महंगा है। और प्रियन के डैड कहते हैं, कोई बात नहीं। तभी नित्या कहती है, अगर आप ये मुझे गिफ्ट करोगे तो आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे और मैं कॉफ़ी का बिल मैं पे करूँगी। कॉफ़ी पीते पीते प्रियन के डैड नित्या को इम्प्रेस करते हैं और फार्म हाउस ले जाने की बात कर रहे होते हैं। नित्या मना करती है और उसे सेड्यूस कर ही लेते हैं वो फार्म हाउस ले जाने के लिए। और कहानी का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।